क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए और तुलसी के पत्तों को चाय में डाल के नहीं लेना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना क्यों के तो कोई मानेगा भी नहीं, ये मैं भी जान चुका हूँ। तो लॉजिकली बताओ तो हर व्यक्ति समझता है। तुलसी में बहुत सारी तत्व होते हैं, औषधीय गुण होते हैं, लेकिन एक खास चीज़ जो इसमें होती है वो है पारा। पारा यानी पारद, ये पारा जो होता है ना, इसके अंदर होता तो बहुत कम मात्रा में है, खाने से कोई बंदा मरेगा नहीं, हालांकि पारा जहर होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, तो वो एक अमृत का काम करता है, औषधि का काम करता है। लेकिन अगर आप इसे चबाएंगे तो कहीं गलती से भी वो किसी कोने में, दांत के किसी कोने में लगी रह गई या किसी दाढ़ में फंस गई, आपने जानबूझकर नहीं फंसाई लेकिन वो फंसी रह गई और रात भर फंसी रह गई या दिन भर फंसी रह गई, तो ये पारा जो इस तुलसी के पत्तों में होता है, ये जो तुलसी आप देख रहे हैं मेरे पास में, इस कई तरह की होती है, राम तुलसी, श्याम तुलसी, तो कोई भी तुलसी हो चाहे, तो इसमें जो पारा होता है वो दांतों को कीड़ा लग जाएगा, उससे दांत सड़ जाएंगे, इसीलिए इसके पत्तों को कभी ना चबाएं। क्या करें फिर, तोड़ें 5-7 पत्ते इसके, जैसे आपको सेवन करने हैं, धो लें, धो करके उसको ऐसे पत्तों के पत्ते रख के सब, तो अच्छे से उसको ऐसे छोटा छोटा कर लें, छोटा छोटा कर लें, और बहुत छोटा छोटा करके या तो सुबह सुबह खाली पेट दही में डाल के निगल जाएं, दही फैटी हुई, दही में फैट के दही में उसको डाल दे तो वो निगल जाए, या फिर आप इसको मुंह में रख के पानी से निगल लें तो ये ठीक रहेगा। चरणामृत में, पंचामृत में देते हैं तो ये ठीक रहेगा। अगर आप इसको ऐसे चबाते हैं तो दांतों में कीड़ा लग जाएगा, और फिर कई लोगों को ये पता नहीं है कि इसकी जो चाय नहीं बना के पीनी होती, चाय काढ़ा बना के पी सकते हो, पानी में उबाल के पी सकते हो, लेकिन जिसमें दूध डल गया उसमें तुलसी नहीं डालना। जिस चीज़ में दूध है उसमें अगर आपने तुलसी डाली तो पारे का वैर है दूध से, आपको बहुत समस्याएं हो सकती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, बजाय इसके कि तुलसी फ़ायदा करे आपको तुलसी नुकसान कर देगी। ये मैं अभी नहीं कन्फर्म बता सकता कि क्या नुकसान कर देगी, लेकिन मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि दूध और तुलसी का वैर है। आप कहेंगे कि पंचामृत में गाय घी गोबर सब होता है, उसमें तो तुलसी होती है, वो तुलसी नाम मात्र होती है, कोई इतने सारे में कहीं एक पत्ता आ जाता है। फिर मैंने ये भी कहीं पढ़ा कि उसमें वो दूध के साथ इसलिए भी सूटेबल होती है, उसमें थोड़ा गोबर भी होता है, गाय का गोमूत्र भी होता है, तो उसमें ना जाइए आप, सादे दूध में या दूध वाली चाय में तुलसी उबाल के कभी मत लीजिएगा। आप खाली काढ़े में, दूध के बिना वाली चाय में आप तुलसी डाल सकते हैं, सूरज ढलने के बाद तुलसी कभी मत लीजिएगा, सूरज निकलने से लेके सूरज ढलने के पहले पहले तुलसी ले सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, नहीं सूरज ढलने के बाद लेंगे तो गर्मी कर जाएगी लीवर में, फिर आपको भूख नहीं लगेगी, बहुत गर्मी पड़ जाएगी, तो आपको हर चीज़ समझ के चलना है। तुलसी को कैसे प्रो करना ये मैंने बताया। अगर आप तुलसी का सेवन करते हो तो आपको 1 घंटे तक दूध नहीं लेना, दही ले सकते हो, हालांकि दही भी दूध से बनता है, लेकिन दूध नहीं लेना, दही ले सकते हो तुलसी के साथ। दूध लिया है तो 1 घंटे तक तुलसी नहीं लेना, और अगर तुलसी ली है तो 1 घंटे तक दूध नहीं लेना। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो ही तुलसी का पूरा लाभ होगा। और भी इसी तरह के कोई प्रश्न आपके मन में हो तुलसी से जुड़ा हुआ या किसी आयुर्वेद की जड़ी बूटी से जुड़ा हुआ, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।